वही मसला होता है वहाँ पे, तो कंपनीज की एक टके की जिम्मेदारी होगी वहाँ को पुलिस लेके जाए, रेंजर्स लेके जाए। मेरे पीछे नारायण बिरला की टीम और प्राइम। तो यहाँ पे सीन ये है कि हर बंदा स्टूडियो में घुसा हुआ है। वही मसला होता है वहाँ पे, तो कंपनीज की एक टके की जिम्मेदारी होगी वहाँ को पुलिस लेके जाए, रेंजर्स लेके जाए। दिस इज योर मैटर, सुन ली तो रिकॉर्ड कर। हाँ, इसलिए ताकि पुलाना। ये आ गया जी हसनात अली, और कोई तो ये सारा कॉन्ट्रैक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कर रही है, साइन की ना साइन की तो करनी है। यहां पे साइन का वकास तो आया नहीं, यहां पे सवाल यहां पे। हां पहले तू कर। मेरी बंदी आती लॉ सलवाना, वो बड़ा तारीफ करती है वकास की। और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया अल्फा का, हमारी कोई नहीं तरीके में। अब यहां पे एक और यहां अपना नाम लिख के नबीला के निकाह में। अब हम करेंगे वेलकम टू माई चैनल फैशन एंड व्लॉग। तो मैं आपका मेज़बान हसनात अली। देख तो आपने लिया है, हमने आइफा का कॉन्टैक्ट साइन कर दिया। इसलिए होता है कि खुदा ना खास्ता वहाँ पे आप लोग कुछ ऐसा वैसा करते हो, तो अगर आप वहाँ की पुलिस या कोई भी पकड़ ले तो नबीला उसकी जिम्मेदार नहीं है। खैर हमने तैयार श्यार होके निकले, एयरपोर्ट पे पहुँचे तो हेलो। तो दुबई वाला सीन जो है वो शुरू हो रहा है, लेकिन मैं वो स्टार्ट करूँगा आगे जाके। अभी हम यहाँ से निकल आए हैं, तो मतलब कराची से हम बैठ रहे हैं दुबई के लिए। तो दुबई जाके फिर मैं वहाँ पर सारी चीज़ें आपके साथ अच्छे से शेयर। टाटा बाय बाय कराची लिए, टाटा बाय बाय कराची। अच्छा जी, हमें जो सीट मिली है वो है 21B, मतलब इस दफ़ा मुझे विंडो नहीं मिली और इस दफ़ा शिराज भी मेरे साथ नहीं है। मैं अब देखते हैं मेरे साथ कौन आता है। सिराज अपनी जगह ढूंढ रहा है, अभी मेरी सीट की तरह है। तो अब हम बैठ गए हैं जहाज में, तो 3 घंटे का आई थिंक सफ़र है। देन फिर आपसे गपशप जाके होगी। तो अभी पैसेंजर जो हैं वो सारे आप देख सकते हैं कि वो बैठ रहे हैं, सही है। तो ये विंडो है, अब जो यहाँ पे बैठेगा उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरे पीछे आ गई। अब जो यहाँ बैठेगा उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर मुझे विंडो दे दे, मैंने ब्लॉग बनाना है, अब देखें क्या होता है। तो टेक केयर, फीलिंग आ रही है। यस बना दूँगा पहले इसमें तो आओ। तो पिक्चर्स का कह रही थी, खैर बना देंगे। और एक्साइटमेंट मैं आपको अपने बता रहा था, तो एक मिनट। हैवी अली है, मतलब खुशी भी है, थोड़ा थोड़ा मिनी सा डर भी लग रहा है। तो कह रही हूँ और तकरीबन था कि 1.5-2 घंटे का सफ़र, तो हमारा सफ़र जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला था। लेकिन यहाँ पे लैंड करके भी हमारा सफ़र कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि हम लैंड कर रहे थे शारजा, जबकि हमने जाना था अबू धाबी, और इन दोनों के बीच में ही दुबई आता था, तो हमारा लैंड हुआ। लैंडिंग हो गई हमारी। ब्लॉगर है भाई। मेरे पीछे नारायण बिरला की टीम और प्राइम। और चल भाई, पासपोर्ट चेक करो, आप देख रहे हो पासपोर्ट देखा, चेक करेंगे दोबारा, चेक करेंगे, हाथ में रखना पड़ेगा पासपोर्ट। हाँ पूरा देखते हैं आगे जाके। ओह माय गॉडनेस,
करा मैं। अब मुझे नहीं पता कि हमने किस पे बैठना है, इसलिए मैं पूछता हूँ उनसे कि किस पे बैठना है। ये सारे आ रहे जहाज पे, मेरे पीछे में तीन सारी ये वाली। जैसा कि शारजा हम लैंड कर चुके थे और अब ये इनका एयरपोर्ट काफी बड़ा था, तो इन्होंने गाड़ी रखी हुई थी जो पैसेंजर्स को एयरपोर्ट तक लेके जाती है। ये नहीं है कि हम यहाँ से मेरे पीछे नजर सलोन जाना है, सलोन जा रहे हैं। हाँ वो बूढ़ा वहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा गर्म था और जैसे ही इंडोर आया मुझे तो मिल गया सुकून। और ये जो अब आपको नज़र आ रहे हैं ये सारी नुबेलास की टीम थी जो कि आईफा करने जा रही थी, और हमारी टीम 24 की मुकम्मल टीम थी जिनमें से दो आए थे लाहौर से, जो कि एक मैं और शिराज हम दोनों जस्ट लाहौर से थे, बाकी सारी कराची की टीम थी। और बहुत अच्छे लोग थे, बहुत मज़ा आया इनके साथ ट्रैवल करने का। और ये सेराफीन बाजी नवेरी, तो यहाँ पे सीन ये है कि हर बंदा स्टूडियो में घुसा हुआ है। ये देखो ये भी स्टोरी बना रहा है और इधर भी, और ये देखें सिराज भी। तुम भी स्टोरी बना रहे, लगा नहीं रहे स्टोरी अभी लगा रहे। ये देखो ये भी, इधर देखें ये भी, इधर पे बता रहे हैं ये भी। और मैं थोड़ा और दिखाऊंगा आपको, ये भी स्टोरी बना रही है, बिल्कुल लगा रही है। तो हमें कहा गया है आप आगे जाएं, तो पीछे से हम आ रहे हैं, तो हम आगे जा रहे हैं, आगे नहीं पता हमने किधर को जाना है। और वहाँ मज़ेदार बना हुआ है, ये तो नीचे के मॉल छोल लग रहा है मुझे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड आगे क्या होने वाला, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी तो थी शुरुआत और आपका हीरो हमेशा की तरह हीरो के जैसे शारजा के एयरपोर्ट पे हमारी एंट्री, और हमने अपने आप को रिलैक्स किया हुआ था मेंटली। इससे पहले मैंने शारजा का एयरपोर्ट कभी नहीं देखा था और ना ही मेरा कभी यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ, तो था फर्स्ट टाइम और बहुत ही अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया। मज़ा तो आते है जब आप न्यू कंट्री में जाते, आपके इर्द गिर्द सारे अरबी में बात कर रहे हों और आप आए हुए हों बैरून मुल्क, तो मज़े ही कुछ और है। और जैसे कि आपको पता है हम बैरून मुल्क आए हैं, तो करेंसी जो है वो एक्सचेंज करानी है हमने। अब देखते हैं 10,000 के कितने मिलते हैं। तो मैं हुमैरा जी को स्पेशल लेके आया हूँ कि हमने मनी एक्सचेंज करानी है। अच्छे गाने लगाओ इनके, बोल तो आप देख सकते हैं कि हम शारजा से निकल चुके हैं, बस में जा रहे थे, अब आ गया था रास्ते में दुबई, तो हमारे पास रुकने का टाइम नहीं था। उसकी वजह यह थी कि कल हमारा शो था तो उसकी तैयारी करनी थी, अभी जाके हमने करना था रेस्ट। तो ओ बुर्ज खलीफा गुजर गया, खैर ये थोड़ा सा नज़र आ ही रहा है, तो इसी तरह मैं रिकॉर्ड कर सका रास्ते में जाते हुए। तो मैं आपको बता रहा था कि हमने तैयारी करनी थी अगले दिन के शो की, जबकि रास्ते में एक स्टे आया तो हमने वहाँ पे खाना शाना खाया, देन हम वहाँ से निकले
होटल के लिए। तो जैसे ही हम होटल के निकले तो हमारी जो आधी आवाम थी वो हो चुकी हुई थी सुस्त, क्योंकि हम कराची में सुबह 5:30 बजे उठ गए थे, 6-6:30 बजे तक हम एयरपोर्ट तक पहुंच गए हुए थे। तो दिखाता चलूं अगर मैं आपको अपनी आवाम के हालात, तो उनके बहुत बुरे हालात में थे। कहने का मतलब ये कि टोटली आवाम सो चुकी हुई थी, पहले ये बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे। शारजा से भी अबू धाबी का सफर जो हमने बस में किया था वो भी तकरीबन बनता है 2-2.5 घंटे। तो खाने के बाद आपको पता ही है कि नींद का झोंका आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। खैर हम पहुंचे, तो हम पहुंच चुके हैं अबू धाबी। तो हमारे जो है वो रूम सिलेक्टिंग हो रहे हैं ये सारे, वहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा कौन कौन सा रूम है। और यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा था कि एक रूम में 2 लोग रहेंगे, अब 2 लोग कौन कौन से रहेंगे ये सारी चीज़ें सिलेक्ट हो रही थी, सेरेफिन कर रही थी। और हमें कौन सा रूम मिला, 10th पे हमें फ्लोर मिल गया है 10th, और रूम नंबर है 10-14। ऐसे जा रहे होते हैं उन लिफ्ट का वेट करते हुए। हाँ ब्लॉगर पैन है, तो ये पैन है अंदर चली गई हूँ ते पैन ढे माशाल्लाह थके हारे कौन के मेरा कैमरा साफ हो गया। साडा फ्लोर दसवें ताडा साडा तीसरा सब तो थल्ले। हाँ जी भाई ऐसे ते तो ये अंदर होते और आपका राजन 3-2-1 और ताडा चांदी 9-1-4। अच्छा जी पहुंच जाओगे कि छड़ दे आ गया आप लोगों ने अपने अपने की परीक्षा करवा दे कोई मंजे तो मेनू लग रहा है कि इतने खोते इस पे थे थर्ड फ्लोर पे एल हां फिलहाल आ जाओ चलो पहुंचो तो बैग में तो रख के आना खोलना फिर गेट बंद होने लगा से उन्होंने ना पता ही नहीं है तो पता कराओ ना किथे जाना है। चलो खुदा हाफिज़ मैं आ रहा हूं ठीक हो गए बाकी सारे ने वेला करता सी हूं मैं ते मेरा पार्टनर रह गए। हां जी सिराज साहब बस अभी जा रहे हैं अपने फ्लोर पे अपने रूम के पीछे हम जा रहे हैं रूम नहीं तुम कितने जा रहे कितने गए नहीं नहीं बुकार से बुकार से पुंजा हम जा एवं दोबारा करना दस आगे तो हम जा रहे हैं ये स्पेशली वकास शिराज इजाज और इशराज कह रहा हूँ वकास देखेंगे तो वो है ही 15 लें जी ये रूम मिला तो चाबी बिस्मिल्लाह पढ़ के लाती। हाँ जी की अंदर की है चलिए पकड़ अपना बैग तो हाँ तो क्या करेगा अब तू लो जनाबे अल्लाह असी जा रहे ते मन्नू नहीं पता कि की लाइटा बालो ताकि सानू ते तानू दोवां नू इकट्ठियां नू सरप्राइज मिले ए ला ना नू सही तरह ये और पूरा वाओ ब्यूटीफुल रूम लाइट कम है तो वो हम कर लेंगे कुछ उसका और वेरी नाइस वॉशरूम तो यहाँ तो नहाने का भी मजा अपना ही होगा। खैर तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह की है ऐ तो खोलना ओह माय गुडनेस अमेजिंग सामने अड्डा वड्डा की गवा इनू मैं छोटा आया ही। और दोस्तों यहीं पे होता है मेरा ये वाला व्लॉग खत्म, लेकिन अभी खत्म नहीं क्योंकि अभी मैंने इंडियन स्टार्स अभी आपको दिखाने हैं जो कि मेरा लास्ट व्लॉग होगा। तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़।